Okay, so today we are going to revise second chapter forms of business organization. इसमें हम partnership revise कर रहे थे, ठीक है? So let us discuss some of the features, merits and demerits of partnership. तो formation इसकी under होती है Indian Partnership Act 1932. वो govern करता है partnership form of organization को. ठीक है, अभी तक तो हम इतना पढ़ रहे हैं, आगे जाके प्लस टू में पार्टनरशिप के अकाउंट्स आएंगे. तो उस केस में हर पार्टनर को कितनी विदड्रॉल्स अलाउड है या कितनी सैलरी देनी है या उसकी कैपिटल का कितना इंटरेस्ट देना है या नया पार्टनर एडमिट करना है तो उसकी क्या प्रोविजंस है या पुराने पार्टनर छोड़ के जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह से अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, वो सब इसमें है जो कि आप प्लस टू में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. लायबिलिटी, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स? लायबिलिटी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड? अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस इवन द पर्सनल एसेट्स, याद रहेगा, ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ बिजनेस डेट्स. ठीक है, देन रिस्क बेयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. अच्छा, लाइबिलिटी में एक और बात है, जो लाइबिलिटी है वो इंडिविजुअल भी होती है और जॉइंट भी होती है. इंडिविजुअल का, जॉइंट का मतलब अगर जितने का भी नुकसान हुआ, लेट अस से ए एंड बी आर टू पार्टनर्स और ए बी सी दे आर थ्री इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, इनको नुकसान हो जाता है 9 लाख का, मतलब बिजनेस के एसेट्स बेच दिए, लिक्विडेशन हो गई, सब कुछ, सारे क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, उसके बाद भी कितना ड्यू बचता है? 9 लाख रुपीस. तो इसके लिए ए बी सी को अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये किस रेशो में इस लॉस में कंट्रीब्यूट करेंगे? 1:3, यानी 3-3 लाख ईच. लेट अस, इसका मतलब ये इनकी लाइबिलिटी जो है वो जॉइंट लाइबिलिटी है, 3-3 लाख दे विल हैव टू पे. नाउ लेट अस से सी कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पर्सनल एसेट्स, ठीक है, मेरे पास एक साल बाद मेरे पास ये एसेट, मेरी ओनर, मेरे फादर ने मेरे नाम करके जाना है, तब मेरे पास ये एसेट आएगा, तब मैं दे सकता हूँ. ठीक है, इन दैट केस ए एंड बी कलेक्टिवली मे कॉन्ट्रीब्यूट 4,50,000 ईच. 9 लाख दे दिए एंड आफ्टर ईयर दे मे टेक 1,50,000 ईच फ्रॉम सी. यहाँ बी भी रिफ्यूज कर देता है, बी भी कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने 3 लाख रुपए दे सकता हूँ. ठीक है, तो उस केस में 6 लाख रुपए ए देगा, 3 लाख रुपए बी देगा और आफ्टर इट ही विल रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम सी. ठीक है, लेकिन लायबिलिटी लिमिटेड, लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है सबकी. ठीक है, यानी उनके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस, राइट? ओके, देन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, वो कलेक्टिवली सब पार्टनर्स के हाथ में है, वो डिसाइड कर सकते हैं कौन सा जो सेगमेंट है किसने संभालना है, वो उनके म्यूचुअल अग्रीमेंट के ऊपर है. देन रिस्क बेयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, सेम रेशो में रिस्क शेयर करेंगे, सेम रेशो में ही प्रॉफिट्स शेयर करेंगे. ठीक है, अब क्या रेशो है, जरूरी नहीं है कि 3 पार्टनर्स है तो 1/3 की होगी, हो सकता है ए ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हो. ठीक है, तो ए कहता है मैंने तो 50% शेयर्स लेने. अब ये रेशो जो है ये फिक्स होती है और ये जब रेशो फिक्स होती है उसको एक अग्रीमेंट में लिख लिया जाता है, जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसी रेशो में फ्यूचर में प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर किए जाएंगे. ठीक है, देन कंटिन्यूटी, इट सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कंटिन्यूटी, वंस अ पार्टनर डाइज पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. नाउ यू कैन से मैम इसमें क्या ए की डेथ होगी बी एंड सी कैन कंटिन्यू? ऑफ कोर्स विद द म्यूचुअल अग्रीमेंट दे कैन कंटिन्यू, बट अ न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, देन उनको एक नया पार्टनरशिप डीड साइन करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला जो अग्रीमेंट था बेटे वो 3 जनों ने बनाया, ए बी सी, ए इज नो मोर इन द वर्ल्ड, तो एक कॉन्ट्रैक्ट लिविंग पार्टी से बनता है,
नॉन जो जिसकी डेथ हो गई उससे नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट खारिज है, ठीक है। सो न्यू अग्रीमेंट के साथ पार्टनरशिप दोबारा आ सकती है। देन म्यूचुअल एजेंसी फीचर जो है पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि बोथ दी पार्टनर्स और ऑल दी पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं लेट अस से ए एंड बी, ए इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, सिमिलरली बी इज ऑल्सो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। एजेंट कौन होता है? जो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है या डिसीजंस लेता है, ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एजेंट। और जिसके बिहाफ पे करता है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। तो बी ए का एजेंट है, इसका मतलब ये है कि बी अपनी डिसीजन से ए को बाउंड करता है। जो भी डिसीजन, जो भी एक्ट बी ने लिए, उसके लिए ए भी बाउंड होगा। लेट अस से बी ने सी के साथ, कोई सी कोई और थर्ड पार्टी है, सी के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया सी, और उसको 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। अब सी फ्रॉड निकला, बी ने, ये क्योंकि पार्टनरशिप है, ये इसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, ठीक है, ये पार्टनरशिप का फीचर है। ये ऑटोमेटिकली ए ने बी को, जब दोनों पार्टनर्स बने तो ए ने बी को पावर दे दी कि तू मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, यानी बी अपने एक्सेस को बाउंड कर सकता है और ये उसके बाउंड एक्ट से बाउंड होगा। इसी तरह ए अपने एक्ट से बी को बाउंड कर सकता है और बी इसके एक्ट से बाउंड हो सकता है, ठीक है। दिस इज म्यूचुअल एजेंसी। अब इसका समझना कैसे, एग्जांपल ले ली हमने, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। बी ने क्या किया, इन्होंने एक, इन्होंने सोचा था कि हम पार्टनरशिप एक्सपैंड करेंगे बिजनेस, ठीक है, उसके लिए हमें लैंड की जरूरत है। तो बी को एक पर्सन मिला सी, उसके पास बहुत अच्छा एक लैंड था, उसने दिखाई, लोकेशन दिखाई, तो बी को लगा हमारी कंपनी, हमारी फर्म के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, तो उसने इसको 10 लाख रुपए बयाना दे दिया। कल को पता चला वो प्लॉट सी का था ही नहीं, सी भाग गया सीन में से, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, ये कैसे बियर करेंगे? क्या बी अकेला बियर करेगा ये नुकसान? बी ने डिसीजन लिया है, बी का बनता है ना लॉस बियर करना। बट द फीचर ऑफ म्यूचुअल एजेंसी स्टेट्स दैट ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली लायबल वेदर द डिसीजन इज टेकन बाय वन और बोथ, दैट इज बी बाउंड्स ए बाय हिज एक्ट्स। बी इज एन एजेंट ऑफ ए एंड ए इज द प्रिंसिपल, ये इसके एक्ट से बाउंड है, तो इसीलिए ये इसके बिहाफ पे ले सकता है डिसीजन, ये बाउंड हो जाएगा उसकी डिसीजन से। क्लियर है? इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी फीचर। देन रजिस्ट्रेशन, क्या पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? क्या होता है रजिस्ट्रेशन का मतलब? क्या आप रजिस्ट्रार के पास गए, जिस स्टेट में आपकी फॉर्म है, आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया? रजिस्टर करवाया मतलब रजिस्टर पे चढ़वा दिया, एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया कि आपकी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। इज इट कंपल्सरी टू गेट अ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड? इट इज नॉट कंपल्सरी, बट इज इट रिकमेंडेड? इज इट डिजायरेबल? वाई? बिकॉज अ रजिस्टर्ड फॉर्म इंजॉयज सर्टन बेनिफिट्स ओवर नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म। क्या बेनिफिट्स हैं? पार्टनर्स ऑफ रजिस्टर्ड फॉर्म कैन सू ईच अदर, पार्टनर्स ऑफ रजिस्टर्ड फॉर्म कैन सू थर्ड पार्टी, द फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म कैन सू पार्टनर्स और थर्ड पार्टीज, ठीक है। सू का मतलब दे कैन फाइल अ केस, कहते हो ना मैं तेरे पे केस कर दूंगा, तो उसका मतलब क्या है? मैं तेरे को सू कर दूंगा, मतलब मैं तेरे को कोर्ट में घसीट लूंगा। लेकिन अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप के पार्ट, जो पार्टनर्स हैं, ना तो वो एक दूसरे को सू कर सकते हैं, ना वो थर्ड पार्टी को सू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैरिज डीमैरिज हमने इसी में से डिस्कस कर लेने हैं। उसके बाद बेटे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स,
पार्टनरशिप को हम दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, वन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, अनदर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. ड्यूरेशन के बेसिस पर पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप और दूसरी पार्टनरशिप एट विल. पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो कि एक पर्टिकुलर यू नो प्रोजेक्ट के लिए टाइम पीरियड के लिए फिक्स की जाती है, जैसे चार दोस्तों ने मिलकर कहा ये लैंड लेते हैं, यहाँ पे फ्लैट्स बनाते हैं, फ्लैट बेचते हैं, प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं. सो द पार्टनरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम द परचेज ऑफ लैंड एंड एंड्स वंस द ऑल द फ्लैट्स आर सोल्ड. पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. वेयर एज पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, इसमें कोई आपने ड्यूरेशन फिक्स नहीं की होती, आपने अग्रीमेंट साइन किया, अग्रीमेंट में कोई ड्यूरेशन नहीं मेंशनड है, लेकिन जब आपको लगे कि आपकी आपस में नहीं बन रही है या डिस्प्यूट आ गया है या कोई पार्टनर बाहर जाना चाहता, कोई भी फॉर वॉट एवर रीजन ही में लीव, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. मतलब एट विल पे है, इट्स एट योर विल, योर स्वीट विल, जब तक आपकी मर्जी है कंटिन्यू करिए, कोई ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है. देन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी बेटे पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक जनरल पार्टनरशिप, दूसरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप वो होती है जिसमें सारे जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वेयर एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इट इज अ रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट, 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था, न्यू स्मॉल स्केल पॉलिसी जब आई, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया ये जो LLP है ना ये फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, काफी पॉपुलर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है, जैसे लॉ फर्म्स जो हैं वो LLP में जनरली वहां पे खुलती हैं. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इसमें एटलीस्ट वन मेंबर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, कम से कम एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, बाकी सबकी क्या होती है लिमिटेड, ठीक है. इसका फायदा क्या था, इसमें यह था कि लोग जो है, लोगों के पास पैसा था लेकिन लोग पार्टनरशिप में इसलिए नहीं बिजनेस सेटअप करते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये ना हमारे लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, मेरे पास 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, आप मेरे को कहते हो मैम मेरे पार्टनर बन जाओ आप, ठीक है मेरे को फंड्स की जरूरत है, मैं कहती हूँ ठीक है, फिर मेरे को लगता है आप तो इमेच्योर हो, ये ना हो कि मैं अपने 2 करोड़ से भी जाऊं और मेरा घर बार भी बिक जाए, ठीक है, तो क्या मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगी, नहीं करूंगी, तो मेरा 2 करोड़ तो ऐसे का ऐसा धरा रहेगा, मतलब वो सर्कुलेशन में नहीं आएगा, इकोनॉमी को इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो हम चाहते हैं इसका बेनिफिट मिले, ठीक है, तो फिर इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस की LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इसमें आप मुझे कहते हो मैम कोई बात नहीं मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, हम एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं जिसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लिमिटेड टू माय 2 करोड़ ओनली, माय पर्सनल एसेट्स विल बी सेम, ठीक है. सो ये 1991 में, और इसको रजिस्टर करवाना कंपल्सरी है, LLP रजिस्टर्ड होती है. आप बोलो मेरी LLP फॉर्म है और मैंने रजिस्टर नहीं करवाया, बस ओरल अग्रीमेंट कर लिया है, तो उस केस में आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, कल को अगर बिजनेस का नुकसान हो गया तो बोथ दी पार्टनर्स आर इक्वली लायबल, दोनों के लायबिलिटी क्या है अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. हाँ, इसमें यह भी होता है जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स होते हैं ना, दे डू नॉट इंजॉय दी, दे कांट पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट and their acts do not bind the firm or other partners. पहली बात, मैं आपके फर्म में काम नहीं कर सकती, मैनेजमेंट में डिसीजंस नहीं ले सकती. दूसरी बात, अगर मैंने कोई डिसीजन ले भी ली, मैंने थर्ड पार्टी से जाके बात की, ये देखो मैं इस फर्म की पार्टनर हूँ, ठीक है, तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ, ये लैंड हमें चाहिए, ये लो 10 लाख रुपए, ठीक है, तो अब कल को वो पार्टी भाग गई, अब मैं आपके पास आती हूँ, भी मैंने 10 लाख रुपए की ऐसे से डिसीजन ली थी, ये तो मिट्टी हो गए, तो क्योंकि आप भी इक्वल पार्टनर हो तो
तो 5 लाख का नुकसान आप भरोगे भरोगे? वुड आई बाइंड यू बाय माई एक्स? नो, वाई नॉट? बिकॉज आई एम लिमिटेड पार्टनर. ठीक है, सो ये एक प्रोविजन है कि आप इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता. ओके, अनदर थिंग, सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड विद इनसॉल्वेंसी, डेथ और ल्यूनेसी ऑफ एनी पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी. लेट अस से एक पर्सन ऐसा है जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. ठीक है, दो पार्टनर्स लिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं, ए एंड बी. ए की डेथ हो जाती है तो उस केस में ये पार्टनरशिप डज नॉट कम टू एन एंड, इट विल कंटिन्यू. ठीक है, ओके. देन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर. हु इज एन एक्टिव पार्टनर? बेटे हम पार्टनर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर. एक पहला पैरामीटर है कॉन्ट्रीब्यूशन टू कैपिटल. क्या इस पार्टनर ने कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट किया है या नहीं? दूसरा पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, देन शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, देन इज लाइबिलिटी. ठीक है, तो इनके बेसिस पर हम देखते हैं, एक्टिव पार्टनर इज द वन हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल, हु पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट, शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. ठीक है, देन देयर इज अ स्लीपिंग पार्टनर, ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल, ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. स्लीपिंग है मतलब वो बना ही स्लीपिंग पार्टनर है, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसों से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसका अपना ऑलरेडी इतना ज्यादा काम है कि वो बिजी रहता है, तो इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. तो उसने अपने आप को स्लीपिंग पार्टनर की ही पदवी दी है, वो स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहता है. तो अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो कैपिटल कभी भी मैनेजमेंट की डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. ही विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस, हिज लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड. देन थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर, is the one who has contributed to the capital, who is participating in the management affairs, who is sharing profits and losses. His liability is unlimited, but his association with the firm is not known to the general public. ठीक है, तो कोई भी person के पास black money पड़ी हुई है. generally कई बार ही आप ऐसी फर्म्स होती हैं जो इलीगल वे से भी अर्न करती हैं, और कोई, अब मेरे को कहना तो नहीं चाहिए वैसे, आप लोग खुद समझ जाओ कौन से ऐसे लोग हैं जो अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते पब्लिक को, है ना, लोग उस पे उन पे डाउट करेंगे, तो इसलिए वो अपना नाम रिवील नहीं करते हैं. दे बिकम सीक्रेट पार्टनर. देन बेटे नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर होता है नाम का पार्टनर. ठीक है, so he has not contributed to the capital, they do not participate in the management, they do not share profits and losses, but their liability is unlimited, unlimited to the debts taken by the partners in their names. पहली बात, इन्होंने कोई अग्रीमेंट में इनका नाम नहीं लिखा होगा, नाम के पार्टनर है. ठीक है, दूसरी बात, कोई कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट की, मैनेजमेंट में कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी शेयर नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये पार्टनर कैसे बन गए? ये अपने आप को दो तरह के होते हैं, ये पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय स्टॉपल वो होता है जो थ्रू हिज वर्ड्स, spoken or written, or his conduct or his behavior represents himself as a partner. जो अपने आप को अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से दूसरों के आगे शो करता है, हाँ भी मैं इस फर्म का पार्टनर हूं. ठीक है, सो क्योंकि ये तीसरे पर्सन की नजरों में फर्म का पार्टनर है, तो इसीलिए this partner becomes liable to those parties who advances money to the firm
ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। आप एक बहुत दिग्गज बिजनेसमैन हो, आपका फ्रेंड है, उसने नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जिससे उसने सामान लेना है, जो उसका सप्लायर है वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, तो उसने आपको बोला चल तू मेरे पास, मेरे साथ चल उसके पास, ठीक है। वहां जाके आपके फ्रेंड ने गेम खेली, बोला ये तो मेरा बचपन का फ्रेंड है, ये तो मेरी फर्म का पार्टनर है, आप भी चुप कर गए, आपने कुछ नहीं बोला आगे से। नाउ यू बिकम पार्टनर बाय एस्टॉपल। यहाँ आपने एक्टिव, वहां पे आपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से ऐसे शो किया, सॉरी आपने अपने बिहेवियर से ये शो किया, आपने बोला ये मेरा बचपन का फ्रेंड है, ठीक है, मैं इसकी फर्म में पार्टनर हूं, तो अब ये नया बिजनेस खोल रहा है, ठीक है, हमने नया बिजनेस खोला है, तो इसके लिए तेरे को रॉ मटेरियल इसको सप्लाई कर दिया करना, 2 महीने का क्रेडिट दे देना इसको। आपके कहने पे वो मान गया, 2 महीने का क्रेडिट दे दिया उसने आपके फ्रेंड को, अब 2 महीने बाद इससे पैसे नहीं दिए गए, हु इज लायबल? यू। यू मतलब पार्टनर बाय एस्टॉपल। सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जहां पर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगेन ही इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म बट नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। होल्ड आउट ऐसे करता है कि मैं इस फर्म का अलाउ करता है दूसरे फ्रेंड को कि हाँ मेरे को फर्म पार्टनर की तरह तो रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इस केस में भी वो कितने डेट्स के लिए लायबल है, जितना उसके नाम का यूज करके लिए गए हैं, ठीक है। हाँ, अगर वो अपनी लायबिलिटी से बचना चाहता है तो ही शुड इमीडिएटली इशू अ डिनायल टू द थर्ड पार्टी क्लैरिफाइंग हिज पोजीशन कि भाई ये मेरा दोस्त है, मैं इसका पार्टनर वार्टनर कुछ नहीं हूं, मेरा इसके साथ कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था, मुझे इसने कहा साथ चल तो मैं आ गया हूं। अगर आप ये डिनायल इशू कर देते हो तो उस केस में आप पार्ट आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। अगर आप डिनायल इशू नहीं करते तो यू विल बी लायबल टू दी डेट्स टेकन बाय यूजिंग योर नेम, ठीक है। देन बेटे माइनर पार्टनर, कैन माइनर बी अ पार्टनर? एक्चुअली नो, लॉ क्या कहता है, माइनर जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटे? पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट है, ठीक है, तो अग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की पहली कंडीशन आप पढ़ोगे बीकॉम में, कॉन्ट्रैक्ट की पहली कंडीशन यू शुड बी अबव 18, तो माइनर तो बिलो 18 है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स He may become partner. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ए की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में, अब ए का बेटा 17 ईयर्स का है, तो बी और सी ने बोला कि चलो हम ए की जगह, एक हम अब ह्यूमैनिटी से एक पर हम इसके बेटे को पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने उसको पार्टनर बनाया तो ही विल बी पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स, नॉट इन लॉसेस। अगर इस फर्म को कल को नुकसान होता है, वो नुकसान ए का बेटा बियर नहीं करेगा, प्रॉफिट जो है वो उसी रेशो में शेयर होता जाएगा, ठीक है। अ माइनर पार्टनर कैन व्यू, इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म बट ही इज नॉट एलिजिबल टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो कॉमर्स कर रहा है तो वो कहता है चलो मैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लिया करूंगा, क्योंकि उसके मन में ये भी है कि कहीं मेरे साथ ये घपला ना कर जाए कुछ, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन वो मैनेजमेंट की डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कल को बी और सी मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं तो ए का बेटा जो डी है वो कहे नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे करो, आजकल ये चलता है, तो बी एंड सी मे नॉट लिसन टू हिम, ठीक है। एडवाइस लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वो मैनेजमेंट की डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ही आल्सो हैज नो राइट टू परचेज और सेल गुड्स और साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। वो फर्म में अकेला बैठा हुआ है, बी और सी अपने अपने कामों पे कहीं गए हुए हैं,
तो इतने में कोई पर्सन आया, उसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको सप्लाई किया करेंगे, पुराना सप्लायर तो आपका किसी काम का नहीं है, मैं आपको 3 महीने का क्रेडिट दूंगा और सस्ती दूंगा चीजें। उसने डी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कर सकता है? नहीं कर सकता, ही इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, ही हैज नो राइट टू परचेज और सेल गुड्स और साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, अ माइनर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और इट्स पार्टनर्स फॉर द पेमेंट ऑफ हिज शेयर एट द टाइम ऑफ क्विटिंग द पार्टनरशिप। कल को वो पार्टनरशिप क्विट करना चाहता है आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, तो उस केस में अगर वो बी और सी को कहता है कि मेरा इतना शेयर प्रॉफिट पार्टनरशिप में आप दे दो और वो रिफ्यूज कर देते हैं, तो उस केस में वो केस फाइल कर सकता है। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस आफ्टर ही अटेन्स मेजोरिटी विद इन अटेनिंग, इफ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू विद द बिजनेस, he is now 18 and he wants to continue with the business, then bete he has to give a public notice or declaration within 6 months of attaining majority. agar wo nahi continue karna chahta na to usko notice dena padega. agar wo chahta hai ki maine nahi partnership firm ka hissa rehna, wo dekh raha hai ki business acha nahi chal raha hai, to i want to be out from this business, theek hai, to us case mein उसको एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस का टाइम पीरियड होता है 6 months विद इन अटेनिंग द मेजॉरिटी। इफ ही फेल्स टू गिव एनी सच नोटिस, ही विल कंटिन्यू टू बी फुल फ्लेज्ड पार्टनर, ही विल बी ट्रीटेड एज फुल फ्लेज्ड पार्टनर, विच मीन्स नाउ ही विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस एंड हिज लायबिलिटी विल ऑल्सो बी अनलिमिटेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इज इट क्लियर? देन बेटे पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप आपको बोला इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस विद एन अग्रीमेंट, दैट अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, प्रेफरेबली इट शुड बी रिटर्न। तो ये जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है जिसमें सारी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाओ इसमें क्या क्या लिखा होगा, पार्टनर्स का नाम, फर्म का नाम, ठीक है, पार्टनर्स के एड्रेसेस, उन्होंने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, किस रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉसेस उन्होंने शेयर करने हैं, उनको कितनी सैलरी वो विदड्रॉ मिलेगी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सारी चीजें, या कितना विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्या ड्यूरेशन रहेगी पार्टनरशिप की, अगर यू नो इट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो क्या ड्यूरेशन रहेगी, ये सब, और उनको कितनी सैलरी या कमीशन मिलेगी। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, कल को इनमें कोई डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, अगर इनको अपनी फर्म डिसॉल्व करनी है तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये सारी चीजें इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट में मेंशनड होती हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको, उसके बाद हमारी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है लोगों की, जिसमें पीपल इकट्ठे वॉलेंटरली इकट्ठे होते हैं और इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए या मिडिल मैन से बचने के लिए, गुड्स चीपर रेट पे लेने के लिए वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी या एक अपनी वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली ये बिजनेस वगैरह करती है लेकिन इसका मोटिव ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। क्या मोटिव होता है? टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, वेलफेयर ऑफ इट्स members, ठीक है, to protect the members from the middlemen, clear? So let's discuss its features. सबसे पहले voluntary membership, at least 10 adult members are required who can become the members, जिनकी voluntarily मर्जी से इसके member बनना चाहते हैं। So membership is open to all irrespective of caste, religion, color, gender, कोई भी person
अबव 18 जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है. क्लियर? देन लीगल स्टेटस. क्या है लीगल स्टेटस? सबसे पहले इसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है या नहीं है? तो कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाया जाता है? इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. क्लियर? 1912. ठीक है. रजिस्ट्रेशन के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी इट गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. जिस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी की होती है उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी की अब कंपनी एक लीगल बॉडी बन गई. ठीक है. विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. दैट्स ऑल फॉर